हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्याएं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा कुछ मेहनत वाला काम कर लिया, सीढ़ी चढ़ दिया, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसको सांस फूलना बोलते हैं और मेडिकल टर्म में इसी को डिस्निया बोलते हैं। तो देखिए, जो सांस फूलने का कारण क्या है, उसमें बेसिकली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो या फिर लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर हो। तो इसके पहले भी दो वीडियो बनाए गए हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें ऐसे लोगों की समस्याओं का सुझाव बताया गया है जिनको समस्या हार्ट से जुड़ी हुई है, पहले वीडियो में। और दूसरा वीडियो ऐसा है कि ऐसे लोगों की समस्या जिनको लंग और हर्ट दोनों की प्रॉब्लम है। और आज का ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको सांस फूलने की समस्या लंग से रिलेटेड है। तो ये तीसरा वीडियो है और पूरी बात समझने के लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा देर देखे, स्किप कर दिए, उसके बाद फ़ोन लगा के कुछ पूछने लगते हैं। इमेजिन करिए कि अगर फ़ोन लगा के सब लोग पूछने लगेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा मेरा और कितने लोगों को मैं बता पाऊंगा, संभव नहीं है। इसलिए प्लीज़ पूरा देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आने वाला है। और अगर एक बार मैं समझ नहीं आया था तो दो बार देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो सांस फूलती है उसका कारण क्या है, लंग से रिलेटेड अगर है तो जो एयर पैसेज है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली ब्रांकस में हो सकता है ना। जैसे एक ऊपर से पाइप आती है, ट्रेकिया बोलते हैं उसको, ऊपर से बड़ी सी ट्यूब आती है, ट्रेकिया बोलते हैं, और दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांकस बोलते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे इस तरह से ऊपर से आ रहा है ऐसे, तो मोटी सी जो ट्यूब आती है उसको ट्रेकिया बोलते हैं, तो ये ट्रेकिया है। और इस तरह से ऐसे डिवाइड हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड होने के बाद ये लंग में आ जाता है। तो ये जो डिवाइड होने के बाद इधर आया है, इसी को बोलते हैं ब्रांकस। यानी ये ऊपर वाली ट्यूब ट्रेकिया है और नीचे वाली ट्यूब जो डिवाइड हो रही है वो क्या है, ब्रांकस है। तो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अवरोध होगा, इस वजह से पूरी सांस नहीं मिल पाती है, तो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो अपने आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है और उस समय दर्द होने लगता है, तो उसी अवस्था को डिस्निया बोलते हैं। यानी सांस लेने में जब दिक्कत होने लगे, दर्द होने लगे, तब डिस्निया की कंडीशन है। तीन बेहतरीन मेडिसिन है यहाँ पे, अरेलिया रेसिमोसा, ग्रैंडेलिया और इपिकैक, तीनों का इंडिकेशन अलग अलग है। तो अगर हम लोग अरेलिया रेसिमोसा की बात करें तो देखिए लिखा है, कफ एग्रेवेट व्हेन लाइंग डाउन, यानी जो खांसी आ रही है या फिर जो सांस लेने की समस्या है, दिक्कत तब बढ़ जाती है जब पेशेंट लेट जाता है। यानी नॉर्मली खांसी आ रही है तो भी लेट जाने से बढ़ जाती है। तो देखिए क्लियर लिखा है, कफ एग्रेवेट व्हेन लाइंग डाउन, और खास बात, जब पेशेंट सोता है तो पूरा पसीने से भीग जाता है। यानी एक तो सोने पर खांसी बढ़ गई, और ऊपर से अगर सो जाएगा, स्लीप, नींद आ गई, तो उसकी उसका जो पूरा शरीर है पसीने से भीग जाता है, उसी के लिखा है ड्रेंचिंग स्वेट ड्यूरिंग स्लीप। खास बात, पसीना हो रहा सोते समय, लेकिन जो कफ है वो ड्राई है, जो खांसी आ रही है वो ड्राई आ रही है। तो देखिए, ड्रेंचिंग स्वेट ड्यूरिंग स्लीप और ड्राई कफ, कफ कैसा है, ड्राई है, और खास तौर से रात को 12 बजे के आसपास नींद खुल जाती है, खांसी आने लगती है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, चेस्ट ऐसे लगता हो कि जकड़ा हुआ है ना, और बर्निंग बिहाइंड स्टर्नम, यानी यहाँ पे जो हड्डी है बड़ी सी, दोनों तरफ जो उससे से पसलियाँ निकलती हैं उसको स्टर्नम बोलते हैं, उसके पीछे बर्निंग होती है। तो स्टर्नम के पीछे बर्निंग हो, और सोते समय पसीना ढेर सारा हो, और सोने से कफ बढ़ जाता हो, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अरेलिया रेसिमोसा लेना पड़ेगा। तो अरेलिया रेसिमोसा का ए इंडिकेशन रहा है। और दूसरी मेडिसिन है ग्रैंडेलिया
लिखा है कैन नॉट ब्रेथ व्हेन लाइन डाउन, जब सो जाता है तब सांस ही नहीं ले पाता है, यानी जो ही बिस्तर पर लेटने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। तो देखिए ये पहली कैटेगरी की मेडिसिन है अरेलिया रेसिमोसा, उसके आगे की मेडिसिन कौन है ग्रैंडेलिया। तो कैन नॉट ब्रेथ व्हेन लाइन डाउन, जब पेशेंट सो जाता है या सोने लगता है तो सांस ही नहीं ले पाता। और ब्रांकोरिया यानी ये जो ब्रांकस है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन है, इस वजह से म्यूकस यहाँ पे ढेर सारा बन रहा है। ब्रांकोरिया मीन्स जो ब्रांकस है उसमें म्यूकस बन रहा है, सिक्रेशन निकल रहा है, तो इसी को ब्रांकोरिया बोलते हैं। तो ब्रांकोरिया, और सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे ब्रांकस में इन्फ्लेमेशन है, इस वजह से यहाँ पे ढेर सारा म्यूकस बन रहा है, जब म्यूकस बन रहा है तो एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ वाइटिस, यानी जो टफ यानी एकदम लसादार जिसको बोलते हैं, लसलसादार म्यूकस टाइप का कफ निकलेगा, एक्सपेक्टोरेशन निकलेगा। और पर्टोसिस विथ प्रोफ्यूज म्यूकस, काली खांसी, यानी खांसते खांसते पेशेंट का चेहरा एकदम काला पड़ जा रहा है, 10 20 50 खांसी आएगी, चेहरा एकदम काला पड़ जाएगा और उसमें म्यूकस जो निकल रहा है, और म्यूकस किसका है, लसलसादार म्यूकस है, कहीं पे स्पिट करते हैं थूकते हैं तो चिपक जाता है। तो इस तरह के अगर इंडिकेशन है कि पेशेंट सोने पर सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है, इवन सांस ले भी नहीं पाता, उठ जाता है ना? और ब्रांकोरिया है और ढेर सारा म्यूकस बन रहा है, और जब खांसते खांसते चेहरा काला पड़ जा रहा है, और काला पड़ जा रहा है तो उस समय जो निकल रहा है म्यूकस जो निकल रहा है, कफ जो निकल रहा है, वो कैसा है, लसलसादार है, चिपक जाता है कहीं पे जाके, रस्सी जैसा बन जाता है। और तीसरी मेडिसिन है इपिकैक, साइड में इसको बोलते हैं इपिकैक, पूरा नाम है इकिकैकुहाना। इसके इंडिकेशन की अगर बात करें तो लिखा है कांस्टेंट कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, यानी हमेशा लगा रहता है कि चेस्ट जकड़ा हुआ है, पूरा ठीक से फुल ही नहीं रहा है, जैसे सांस अंदर लेते हैं सांस बाहर निकालते हैं तो जो जकड़न जैसी महसूस हो, कंस्ट्रिक्शन हो। और चेस्ट सीम्ड फुल ऑफ लेगम बट डजेंट यील्ड ऑन कफिंग, यानी लगता है कि जो चेस्ट है उसके अंदर म्यूकस भरा पड़ा है, लेकिन जब खांसता है पेशेंट, खांसी करता है तो म्यूकस निकलता नहीं है ना। चेस्ट सीम्स फुल ऑफ फ्लेगम बट डजेंट यील्ड ऑन कफिंग, यानी खांसने से कफ नहीं निकलता लेकिन कफ अंदर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। वीजिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से परसिस्टेंट नासियान वोमिटिंग, सांस नहीं ले पाता तो उसको हमेशा लगातार लगा रहता है कि नासियान वोमिटिंग आती रहती है। नासिया और वोमिटिंग परसिस्टेंट फीचर है, अगर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है तो आपको मेडिसिन इपिकैक देना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस स्नीजिंग विथ कोलाइजिया, छींक आती रहती है और सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स हैं। तो इस तरह से ये तीनों मेडिसिन बेहतरीन तरीके से काम करती है, जैसा भी इंडिकेशन मिले आप उसको यूज़ करें, आपकी जो समस्या है उसमें निजात मिलेगा। तो इसी तरीके के सिम्टम्स को गवर्न करती हैं ये तीनों मेडिसिन। अगर लेने की बात किया जाए तो इपिकैक का मदर टिंचर लीजिए, इसका भी मदर टिंचर यूज़ करिए, 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के 3 बार, यानी यूज कैसे करना है, 20 बूंद हाफ कप पानी में डालकर 3 बार सुबह दोपहर शाम। उसी तरीके से आप अरेलिया रेसिमोसा का भी यूज करें, इसका भी 20 बूंद हाफ कप पानी में डालकर 3 बार, और सेम इसको भी यूज करने का यही तरीका है कि आधा कप पानी में डाल के ग्रैंडेलिया की जो मदर टिंचर है उसका 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के 3 बार। तो इन तीनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन आपको जो डिस्निया की जो समस्या है, जो सांस लेने की समस्या है, उससे निजात दिलाएगी। दरअसल जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, अगर उसकी बात किया जाए
तो देखिए सीधा सा है कि यहाँ पे जो ऊपर से बड़ी सी ट्यूब आ रही है ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, फिर इधर ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से लंग है ऐसे ऐसे ना? तो यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग बन जाती हैं ऐसे, इस तरह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग बन जाएंगी। तो जो अस्थमा वाला जो पेशेंट है ना, जब सांस लेता है, जब सांस लेता है तो ऊपर से हवा आती है तो सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यही जब सांस को वापस निकालता है तो ये देखिए जो नीचे की तरफ मुड़े हैं ना, तो ये सब क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। अभी नीचे की तरफ जब सांस लेता है तो नीचे की तरफ मुड़े हैं ना, और जो ही जब सांस निकालेगा तो ये पूरा फैल के इस तरह से सकरा बना देते हैं। जब सकरा बना देंगे तो सीधी सी बात है कि सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए इस तरह से है ऐसे, यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ लटका है, तो इधर से कुछ भी चीजें आएंगी तब तो ठीक आ जाएगा, लेकिन जो ही इस तरफ से ऐसे जाने लगेगा, वापस जब जाने लगेगा इस तरह से, जब वापस जाने लगेगा तो ये ऐसे फैल के इस तरह से हो जाएंगे, तो सकरा रास्ता और सकरा हो जाएगा। इस तरह से जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में तो दिक्कत होती है लेकिन कम, लेकिन जब उसी सांस को निकालने में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है और पेन भी बढ़ जाता है इस तरह से। तो ये अस्थमेटिक कंडीशन का प्राइमरी इंडिकेशन है कि सांस लेने में दिक्कत कम है और निकालने में उसको दिक्कत ज्यादा है। तो इस तरह से वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, नीचे रेड कलर के बटन दिख रही है सब्सक्राइब हो जाएगा। फायदा क्या होगा कि नया नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि बीमारियों की जानकारी बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।